हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेचुरल ब्यूटी हेजमेंट। मैं हूँ सीमा। आज मैं आप लोग सामने लेकर के आ गई हूँ एक ऐसा वाटर जिसको अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं तो आपके बालों का जो झड़ने का समस्या है वो रुक जाती है, आपकी हेयर फॉल की जो समस्या है वो तो कंट्रोल होती होती है, साथ में आपकी डैंड्रफ की समस्या, क्योंकि विंटर आने वाला है, अक्टूबर नवंबर के पास आपका विंटर स्टार्ट हो जाता है बहुत अच्छी तरीके से। तो बहुत सारे लोग हैं जो ब्लैंकेट से फेस को कवर करके सोते हैं, तो मैं आप लोग के साथ में डे बाय डे धीरे धीरे एक एक चीज़ आप लोग सामने शेयर करती रहूंगी, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो और आप लोग उसको कर सके, हेयर फॉल कंट्रोल होगा, डैंड्रफ खत्म होगी, ऑयली स्कैन की अगर आपको समस्या है, ऑयली स्कैल्प है आपकी तो वो भी ठीक होगी, और दूसरी चीज़ स्प्रिटेंस की समस्या है, दो मुहे बाल हैं आपके, तो क्या होता है कि जब आप इस रिंस वाटर का यूज़ करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं। दूसरी चीज़ सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया, हेयर ग्रोथ को तो बूस्ट करता ही करता है, साथ में आपके डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, आपके हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, मतलब ऑल ओवर तरीके से ये काम करता है। तो फाइनली क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ठीक है ना। वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रिंस करना कैसे, इसमें मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है आप लोगों के लिए, जैसे आप कपड़े को रिंस करते हो कंफर्ट में डालकर, लाइक उसी तरीके से आपको अपने बालों को रिंस करना होता है, बट ऐसा नहीं कि आप जाके कंफर्ट डाल लें और कंफर्ट में अपने बालों को रिंस कर लें, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा वीडियो है। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके रिंस वाटर के ऊपर, यानी कि आप अपने बालों को किस चीज़ से रिंस करोगे जो आपको इतने सारे बेनिफिट्स देगा, आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा, स्प्रिटेंस की समस्या उसको ठीक करेगा, ऑयली स्किन की समस्या उसको ठीक करेगा, डैंड्रफ को ट्रीट करेगा, ईची स्कैल्प को ट्रीट करेगा, ठीक है। तो आपको लेना है एप्पल साइडर विनेगर, या फिर आप कोई भी एप्पल साइडर विनेगर किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर लेमन टी का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं अपने शैम्पू में। शैम्पू में एलोवेरा जेल को मिक्स करना है, यानी कि जो पतंजलि का एलोवेरा जेल आता है उसको आप शैम्पू में मिक्स करके अपने बालों में अगर आप शैम्पू करते हो तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जो फ्रिजी डल ड्राई हेयर होते हैं उनको एक अच्छा सा नरिशमेंट और एक मॉइस्चराइज मिल जाता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनमें हेयर फॉलिकल की जो आपकी हेयर फॉलिकल्स होते हैं जो बीच बीच से ब्रेकआउट हो जाते हैं वो होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि जब आप इस रेमेडी को यूज़ करना शुरू करोगे एप्पल साइडर विनेगर को, तो जो आपके हेयर फॉलिकल हैं जो उखड़े उखड़े से रहते हैं, ऊपर खाबड़ से रहते हैं, तो वो बिल्कुल फ्लैट होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे कि आप खुद भी देख करके दंग रह जाओगे। अब हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो अगर उबड़ खाबड़ होते हैं तो आपको लगता है कि भाई स्प्रिटेंस की समस्या है, ठीक है, वो बीच बीच से क्या होते हैं फ्लैट, कोई कोई फ्लैट होते हैं और कोई कोई निकले हुए होते हैं, तो वही होती है हमारी स्प्रिटेंस की समस्या। एक बाल से दो से तीन लेयर निकलना, स्प्रिटेंस की समस्या से आपकी हेयर ग्रोथ नहीं रुकती है, बट बालों का जो टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है, बालों का जो टेक्सचर होना चाहिए वो शो नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप बालों को रिंस करोगे तो एक बाल्टी पानी लेना है, उसमें आपको एक चम्मच के करीब आपका, जैसे कि आपने मान लीजिए एप्पल साइडर विनेगर जो भी कंपनी का आप ले रहे हो, कोई भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी, एक तो अमेरिकन गार्डन का बहुत अच्छा है, ठीक है, दूसरा मैं आप लोग को यहाँ पर सेंड कर बताऊँगी जो सबसे सस्ते हैं, जो बजट में है उनकी बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि सारे लोग एक एक हज़ार दो दो हज़ार के एप्पल साइडर विनेगर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप एक यूज़ कर सकते हो हमारा एस टी बुटानिक का एप्पल साइडर विनेगर, बहुत अच्छा है, ठीक है। इन दोनों एप्पल साइडर विनेगर से आप अपने बालों को रिंस कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। एक बाल्टी पानी लेना है, उसमें आपको एक कप आपका एप्पल साइडर विनेगर डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको ये बाल्टी का जो पानी है साइड में सेपरेट करके रख देना है, और दूसरा आपको क्या करना है, आपको शैम्पू करना है। ऑयल लगे हैं आपके बालों में, नाइट हेयर पैक लगा है, टॉनिक लगा है, उसको आप अच्छे से निकाल दीजिए। ऑयल अगर है आपके बाल में तो उसको भी आप शैम्पू करके निकाल दीजिए। शैम्पू करके जब आप उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद जब आप अपने बालों को रिंस करते हैं तो रिंस करने के टाइम पे आप अपने बालों में अपना जो नॉर्मल पानी होता है, जब आप शैम्पू करते हो जो फॉर्म बनता है हमारे बालों में, उसको आप रिंस कर लेंगे अपने नॉर्मल पानी से। जब आपका कंप्लीट हेयर वॉश हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आपने रिंस वाटर प्रिपेयर करके रखा हुआ है उसमें आप अपने सर को डिप करेंगे और अप डाउन डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है और अप करना है, ऐसे आपको 5 से 6 बार करना है। इससे आपको दो बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो बता देते हैं। आपके जो फायदे होते हैं इसमें वो ये होते हैं कि एक तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्यों होती है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है तो आपकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, ठीक है। दूसरा ये कि जब भी आप रिंस करते हैं तो डैंड्रफ की जो समस्या है वो सारी निकल जाती है। दूसरी चीज़ ये कि जब भी आप अपने बालों को अपने पानी में बाल्टी में डिप करते हो, अप एंड डाउन करते हो, तो क्या होता है कि जो आपके बाल उलझे हुए होते हैं वो सुलझना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग के काम की ये वीडियो है ना, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।